बेफिक्र रहो, ज्यादा नहीं बोलूंगा. थैंक यू सो मच. अरे यू गाइस कैन कंटिन्यू टू सिट. ठीक, अच्छा. आप सभी को नमस्कार. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑल द वे फ्रॉम महाराष्ट्र. द एंटायर फैमिली ऑफ क्रेडाई महाराष्ट्र, प्रमोद जी, सुनील जी, थैंक यू फॉर कमिंग फ्रॉम आई थिंक 24 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ महाराष्ट्र. आई अप्रिशिएट ऑल ऑफ यू टेकिंग द टाइम आउट, विजिटिंग आवर स्टेट, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, ट्राइंग टू लर्न and trying to also, I'm sure, teach us a few things that you have done well in Maharashtra. Meri thodi matlab thodi bahut zyada nahi, but thodi bahut relationship hai Maharashtra ke sath, kyunki maine 2 saal padhai ki wahan pe Pune mein. Main Pune Vidyapeeth ka vidyarthi hu, par mala Marathi itna hai, Marathi aati nahi hai. Thoda bahut samajh leta hu kyunki maine 2 saal wahan padhai kiya hai, to thoda bahut to samajh leta hu. पर दो चार अहम चीज सीख लिया था मैंने. हमारी वो पुणे विद्यापीठ गणेश खेंड जो बोलते हैं, तो उसके ठीक बाहर, तब मैं बात कर रहा हूँ 1995-96 की बात कर रहा हूँ, तो उस समय पुणे मतलब वहीं तक अंत, वहीं तक होता था. उसके बाद पिंपरी चिंचवाड़ और इलाका सब था, पर तभी कुछ नहीं था. फिर वापस मैं तब से लेके अभी तक वापस नहीं गया पुणे. बट हमारी ज़्यादातर इंटरेक्शन होती थी वहाँ बाहर, या तो वड़ा पाव खाने में, या बाहर जाके वहाँ चौपाटी थी, तो चौपाटी में वहाँ चाइनीज़ के बंडी लगते थे, चाइनीज़ फ्राइड राइस के. तो दो ही चीज़ हमने सीखा है, शेजवान फ्राइड राइस पाइजे, पेप्सी पाइजे. उससे ज़्यादा मराठी तो सीख नहीं पाए. दोस्त तो काफ़ी है, अभी भी दोस्त तो काफ़ी है, पुणे में है, बॉम्बे में है, कहीं और जगह है. और एक चीज़ आपको ये भी बता दें कि हमारे दूसरा भी एक वास्ता है तेलंगाना और महाराष्ट्र का, जहाँ से आप लोग आते हैं, जहाँ से प्रमोद जी आते हैं. अभी संभाजी नगर बोलते हैं, उसको पहले औरंगाबाद बोलते थे, और परबनी, लाथूर, नांदेड़ और कई सारे, अब हमारे चंदापुर, जितने भी ये सारे ज़िला हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, इनका हमारा पुराना नाता इसलिए है क्योंकि हैदराबाद स्टेट जो थी, एक हैदराबाद संस्थान जो थी, इससे पहले आज़ादी से पहले ये सभी डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद के साथी थे, और हैदराबाद के बहुत ही मतलब अच्छे रिश्ते नाते वहाँ पे थे. साथ ही साथ कर्नाटक में जो आज बीदर, रायचूर, गुलबर्गा है, इनका भी हैदराबाद स्टेट के साथ, हैदराबाद राज के साथ काफ़ी सारे संबंध हैं. तो इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि शायद अगर आप देखेंगे जियोग्राफिकली तो अलग अलग राज हैं, महाराष्ट्र अलग है, तेलंगाना अलग है, बट रिश्ते नाते, ह्यूमन रिलेशंस काफ़ी सारे हैं. बट बिफोर आई टॉक अबाउट एनीथिंग एल्स, लेट मी गिव यू 10-15 मिनट्स बिफोर आई गो इनटू द फॉर्मल प्रेजेंटेशन. 10-15 मिनट थोड़ा आपको तेलंगाना का कॉन्टेक्स्ट भी बता दूं, और तेलंगाना राज हासिल करने के बाद क्या हुआ है ये भी बता दूं. आपको तो पता है हिंदुस्तान में 1947 के बाद कई सारे राज बने, कई सारे नए स्टेट बने. तेलंगाना राज की जो डिमांड है वो बहुत पहले से, मतलब 50-60 साल से चलते आ रही है. वी बीन फाइटिंग, वी बीन स्ट्रगलिंग, यू नो, फॉर द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट फॉर तेलंगाना फॉर द लास्ट 50-60 प्लस ईयर्स. इन 2001 अंडर द लीडरशिप ऑफ आर करंट चीफ मिनिस्टर श्री KCR गारु, ही हैड लॉन्च्ड हिज ओन पार्टी कॉल्ड द तेलंगाना राष्ट्र समिति, एंड ही स्टार्टेड अगेन, you know, when at the age of 47 he started another battle for the statehood for Telangana. From 2001 until 14 he struggled really hard. He convinced the national political system, including parties, national parties, regional parties, etc., etc. He was able to gather the support of the people of Telangana and eventually led this movement for 14 years despite many ups and downs. And eventually in 2014 parliament has passed the bill, and eventually the state of Telangana came into existence on the 2nd of June 2014. But jab 2014 mein Telangana Raj bani thi, ek bar aapko yahan ki halaat bhi bata dun, jaise abhi Pramod ji ne kaha, tab usse pehle agar aapka koi matlab Hyderabad aana jana hota tha to aapne shayad dekha hoga ki logon ke man mein kuch doubts the, shankayein thi ki Telangana Raj banne ke baad kya hoga. मतलब ये जो लड़ाई चल रही है अलग राज की, इसके इसको लेके फायदा होगा या नुकसान होगा, हैदराबाद जैसे शहर का क्या होगा, इसको लेके बहुत सारे शंकाएं थी. आपको एक बात बताते हैं, क्योंकि आप सभी लोग कंस्ट्रक्शन से हो, रियल एस्टेट से हो, बिल्डिंग इंडस्ट्रीज से हो,
महात्मा गांधी जी ने कभी कहा था बहुत साल पहले कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। हाँ, ये बात सही है कि इंडिया, ज्यादातर इंडियंस, ज्यादातर भारतीय आज विलेजेस में रहते हैं, 70% से ज्यादा विलेजेस में रहते हैं। बट ये भी बात सही है कि इंडिया इज एक्चुअली रन बाय इट्स सिटीज एंड टाउन्स। ये बात मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि आज अगर आप तेलंगाना देखेंगे, हमारी अगर पूरा जियोग्राफी अगर आप देखेंगे, द एंटायर जियोग्राफी, द एंटायर एरिया ऑफ तेलंगाना, वी आर जियोग्राफिकली द साइज ऑफ साउथ कोरिया, 112,000 स्क्वायर किलोमीटर, 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी जियोग्राफी है। और अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे तो हमारी साइज होगी मलेशिया की, हम करीब करीब 4 करोड़ हैं आबादी जनता, तो मलेशिया के साइज के हैं। और हिंदुस्तान में अगर देखेंगे आप तो आज हम 28 राज्यों में तेलंगाना 11 और 12 स्थान पे, 12वीं स्थान पे हैं पॉपुलेशन के हिसाब से और आबादी के हिसाब, जियोग्राफिकल साइज के हिसाब से। तो हम ना बड़े हैं ना छोटे हैं, हम बीच में कहीं हैं। और आज अगर आप देखेंगे तेलंगाना में सबसे अहम सिटी, सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है हैदराबाद, साथ ही साथ हमारे 142 और, हैदराबाद के अलावा 142 और म्युनिसिपैलिटीज और कॉरपोरेशन है। बट जैसा अभी मैंने कहा आपसे, व्हाइल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस, इंडिया इज रन बाय इट्स सिटीज एंड टाउन्स। एंड द रीजन व्हाई आई से दैट इज बिकॉज एक हमारी हैदराबाद शहर ऐसी है जहां से आज तेलंगाना का 45% से लेकर 50% तक GSDP यहीं से आती है, क्योंकि यहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटी, यहां पे जितने भी अभी कार्यक्रम चलते हैं, जितने भी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता है, इसी को लेके पूरा राज चलता है। महाराष्ट्र में भी या हिंदुस्तान में चाहे कोई भी आप राज ले लो या दुनिया में कोई भी आप देश ले लो, सभी का यही हालत है। मैं इसीलिए ये बात कह रहा हूं, हमारी एक बार बात हो रही थी सत्या नादेला जी से, सत्या नादेला जी माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन हैं और CEO हैं, वो हैदराबाद से हैं, एक बार आए थे यहां पे, तो हम लोग बात कर रहे थे। मैंने उनसे यही बात प्रस्ताव किया, मैंने कहा उनसे कि 50% तक आज हमारी आमदनी, आज हमारी GSDP हैदराबाद से आती है। तो उन्होंने कहा ना सिर्फ एक राज्य के लिए या एक देश के लिए लागू होता है, बल्कि हम जैसे कॉरपोरेशन, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कॉरपोरेशन के लिए भी यही फॉर्मूला आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने पूछा उनसे कैसे, उन्होंने कहा माइक्रोसॉफ्ट जैसी कॉरपोरेशन 200 से ज्यादा देशों में हम शामिल हैं, हमारी प्रेजेंस है, पर हमारी 80% रेवेन्यू दुनिया की 70 सिटीज से हमें मिलती हैं, जिनमें से हैदराबाद है, बॉम्बे है, दिल्ली है, चेन्नई है, बाकी कहीं और बैंगलोर है, ऐसे शहर है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि आज हिंदुस्तान में जो कोई भी सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, हम सभी लोगों को ये बेसिक चीज समझना चाहिए, क्योंकि अगर हिंदुस्तान को आगे ले जाना है, इंडिया को जो 5 ट्रिलियन ख्वाब है, 10 ट्रिलियन का ख्वाब है, या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनना का जो एक ख्वाब हमारी है, एक ख्वाहिश हमारी है, इसको अगर पूरा करना है, तो हमें ये बात जरूर याद रखना चाहिए कि जितना ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पैसा लगाएंगे, वो भी अर्बन पॉकेट्स में, हमारे सिटीज में, टाउन्स में, उतना ही हम लोग वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे और तभी जाके हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये बात कई सारे लोग नहीं समझते, बहुत कई सारे गवर्नमेंट नहीं समझते, ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं आपसे कि 2014 में जब हमारी राज यहां बनी थी, कई सारे समस्याएं थे। पहली, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रॉब्लम दैट वी फेस्ड वॉज द चैलेंज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की किल्लत थी, बहुत प्रॉब्लम थी। हफ्ते में 2 दिन पावर हॉलिडे डिक्लेयर किया जा रहा था, हफ्ते में 2 दिन इंडस्ट्री बंद करना पड़ता था, और फार्मिंग सेक्टर के लिए, फार्मर के लिए हम दिन में 6-7 घंटे से ज्यादा पावर नहीं दे सकते थे, और घरों में समर आ गया तो पूरा दिन ऑलमोस्ट 8 to 9 hours ऑफ पावर कट। अगर आपको एक छोटा सा छोटा एक जूस स्टॉल भी चलाना हो, एक छोटा जीरोक्स सेंटर भी आपको चलाना हो, इन्वर्टर के बगैर, जनरेटर के बगैर काम नहीं चलता था। अपार्टमेंट अगर है कोई सिटी में, जनरेटर तो लगना ही लगना है, आप अपार्टमेंट में उतरते ही लिफ्ट चढ़ने से पहले आपको डीजल वाला आपको स्मेल आता था हर जगह, ये वाला हालत था। स्टेट का डिमांड था 10,000 मेगावाट से ज्यादा, बट हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी 7,000 मेगावाट, तो हम लोग पावर डेफिसिट स्टेट थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था।